भारत ने और हमारी यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ब्रिज निर्माण की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ब्रिज निर्माण किस तरह से करते हैं, ब्रिज निर्माण के लिए सबसे पहले हम साइट पर क्या क्या प्लानिंग करते हैं और किस तरह से साइट पर हम काम शुरू करते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम अपने चैनल पर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, यदि आप ब्रिज निर्माण के कार्यों में अपनी रुचि रखते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहिए। हम आपको पूरी तरह से ब्रिज कंस्ट्रक्शन की जानकारी अपने चैनल पर प्रदान करेंगे। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि हम साइट पर ब्रिज निर्माण के लिए सबसे पहले क्या करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी साइट पर कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उस साइट की वीडियोग्राफी, इनिशियल वीडियोग्राफी ही करवा लेते हैं। उसके पश्चात इनिशियल वीडियोग्राफी के पश्चात हम साइट क्लियरेंस का कार्य करते हैं। साइट क्लियरेंस में हम जंगल झाड़ियों की सफाई को पूरी तरह से साफ करवा लेते हैं। दोस्तों, इस दौरान हम साइट पर TVM का निर्माण करवा लेते हैं। TVM बनाने के पश्चात हम इस साइट के इनिशियल लेवल ले लेते हैं, जिसमें यदि हमारे पास कोई ओल्ड स्ट्रक्चर है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ एक ओल्ड स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, तो हम इसके मेज़रमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो हम इसे डिसमेंटल करेंगे नए ब्रिज बनाने के लिए। दोस्तों, फिर डिसमेंटल के मेज़रमेंट होने के पश्चात हम सर्वप्रथम निर्माणाधीन साइट में डायवर्सन का निर्माण करते हैं। डायवर्सन हमारे रोड से होने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि हम जिस साइट पर निर्माण कार्य करेंगे वहाँ पर हमारा आवागमन बंद हो जाएगा, इसलिए हम सर्वप्रथम डायवर्सन का निर्माण करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने डायवर्सन इस तरह से अपस्ट्रीम साइड में बनाया है। हमेशा ध्यान रखिए कि डायवर्सन को अपस्ट्रीम साइड में बनाएं और निर्माणाधीन साइट से लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी पर बनाएं, ताकि हमारे निर्माण कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डायवर्सन बनके तैयार हो चुका है। अब जल्द ही हम इस ओल्ड स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटल होने के पश्चात इस स्ट्रक्चर के हम बेड लेवल्स रिकॉर्ड करेंगे। बेड लेवल्स लेने के पश्चात ही हम यहाँ पर बोर लॉग का कार्य प्रारंभ करेंगे, जिससे हम सॉइल के स्ट्रेटा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम इसमें फाउंडेशन खुदाई का कार्य प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, और भी अधिक जानकारी आपको हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे।